हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो पर। आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा, मतलब अचानक से रात को क्या हुआ, कल रात को मतलब एक मुर्गी मतलब मर गया है। हम लोगों को पता नहीं चला कि कौन सा बीमार का वजह से मरा है बोल के। अचानक से मतलब शाम को जब देखे थे तब सभी ठीक ही था, कोई बीमार वगैरह आया नहीं था। पर रात को करीब 12 बजे की तरफ मतलब मर गया ये मुर्गी। और अभी हम लोगों ने जो भेंडोक्स होता है, भेंडोक्स एन बोल के लिखा होता है, वो एंटीबायोटिक है, वही दवा मतलब मिला के दिए हैं। अभी तक सभी ठीक ही है। लगभग आपका 700 से ऊपर था वो मुर्गी जो मरा है। अभी फ़िलहाल सभी ठीक ही है। अभी जो भेंडोक्स एन बोल के दवा जो रहता है एंटीबायोटिक, वो आपको लगभग 5 लीटर पानी में 1 ग्राम डालना पड़ेगा। वही दवा हम लोगों ने मिला के दे दिए हैं। अभी सभी ठीक ही है, कोई बीमारी है जैसा नहीं लग रहा है। सभी अच्छे से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। आज हमारा 43 डेज हो गया है टोटल, और आपका वेट आया है लगभग, वेट मतलब आपका लगभग परसेंटेज बड़ा का भी है छोटा का भी है, मतलब बड़ा का ज़्यादा है। जो बड़ा है उसका वो वेट आया है अभी लगभग 700 से ऊपर आया है, और जो छोटा है वो तो देख के ही पता चल गया होगा आप लोगों को, बहुत ही कम है, लगभग 300-350 से है। अभी मौसम थोड़ा ठंड होने के कारण लाइट का भी, करंट का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब अप डाउन होते रहता है। बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं अभी। और जो एंटीबायोटिक अभी हम लोगों ने डाल के दिए हैं पानी में, मुझे लगता है उसके बाद थोड़ा दवा लेने के बाद फिर कम ही लेगा बोल के, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होता है वो लेने के बाद फिर थोड़ा कम ही लेती है। मैंने पिछले वीडियो पर बोला था, मतलब जो दवा का असर होता है वो असर पड़ता है मुर्गियों को, तब जाकर मुर्गी मतलब बीमारी ठीक हो जाती है। देखते हैं कितना दिन में मैच्योरेट होता है। लगभग 900 ग्राम का वेट आने से हम लोग इसको सेल आउट कर देंगे। अभी 43 डेज हो गया है। जहाँ से मैंने ये चिक्स जो लाए थे उन्होंने बोला था कि मतलब 60 डेज में आपका लगभग 800 ग्राम एवरेज उठेगा, वेट चढ़ेगा बोल के। देखते हैं, आज हमारा 43 डेज हो गया है, देखते हैं कितने दिन में होता है। मुझे लगता है ये अराउंड आपका 55 डेज का अंदर ही मतलब 800 से ऊपर ही वेट चढ़ेगा जैसा लगता है। देखते हैं, अगर 55 डेज में होता है तो हमारा 5 दिन का फीड बच जाता है जो दाना है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज़ रोज़ एक एक वीडियो अपलोड होती रहती है, यहाँ पर मुर्गी की जानकारी मिलती रहती है। इस बार काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है पिछले बार से। देखते हैं कितना मुनाफा होता है या लॉस होता है।